अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो अंडे की भुजी है। और अंडे की भुजी सिंपल बनती है, सिर्फ प्याज में, अंडे में भून के नमक मिर्च, तो ये थोड़ी सी अलग हटके है। और इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सामने हमने अरेंज किया है, देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिसके लिए हमको ये दो अंडे चाहिए जिसे मैंने तोड़ के इसमें डाल रख लिया है, और दो मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, थोड़ी सी हमारी हरी धनिया है, ग्रीन कोरिएंडर है, और दो टमाटर है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और दो से तीन हरी मिर्च है जिसको मैंने काट के इसी टमाटर में ही रख लिया है, और वन टीस्पून से थोड़ा कम नमक है, वन टीस्पून हमारा ज़ीरा है, थोड़ी सी लाल मिर्च है आधे की आधी चम्मच, और आधी चम्मच हमारी हल्दी भी है। और इन्हीं चीज़ों में ये फटाफट बन जाएगा, तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडा को फेंट लेते हैं। तो अंडे को फेंटने में हम उसके साथ लाल मिर्च और नमक हल्दी डाल के फेंट लेते हैं, और इसके अंदर ये दूध भी है, यहाँ पर ये दूध भी दो से तीन टेबल स्पून दूध भी है, और इस ये थोड़ा इसमें दूध जाता है, तो दूध डाल के अंडा और ये डाल के हम एक साथ फेंट लेते हैं अच्छे से। तो अंडे अच्छे से मैंने फेंट लिया है, और तेल गर्म हो चुका है, 50 ml तेल है हमारा, और हम उसमें ज़ीरा डाल देते हैं और फाइन प्याज को, ये ज़ीरा बस 3-4 सेकेंड तड़क गया है, तो इसमें हम अपनी प्याज डाल के और इसको हम लाइट ब्राउन फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, तेज़ आँच पे हम जल्दी भी कर लेते हैं। तो ये प्याज हो चुकी है, हल्की से सोते ही करना होता है इसको, और ज़्यादा डार्क नहीं करना होता, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, थोड़ी सी कलर चेंज हो गया, तो बस हम इसमें अंडा डाल देते हैं। जो दूध और लाल मिर्च और नमक और हल्दी डाल के मैंने फेंट लिया था, ये वो अंडा हम डाल देते हैं। ये डाल दिया मैंने, और इसको जल्दी जल्दी चलाते हैं, और इसमें अपनी हरी मिर्च और टमाटर भी डाल देते हैं, दो टमाटर है, तीन हरी मिर्च है बारीक कटी हुई। जल्दी जल्दी चलाना शुरू करते हैं, इसे लगातार चलाते हुए इसे हम भूनते हैं। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत लाजवाब बनती है, और थोड़ा सा सिंपल जो होती है प्याज हरी मिर्च की भुजी, उससे थोड़ी बहुत टेस्टी, बहुत अलग होती है, और ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी हमको नहीं चाहिए, और थोड़े से इंग्रेडिएंट में ये बहुत ही अच्छी बनती है, इसका अलग ही फ्लेवर और अलग तरीके से और बन के तैयार होती है। तो एक बार इसके आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। और अंडे की भुजी तो नाश्ते में बहुत लोग बनाते हैं घर में, एक बार ऐसी बनाई जाए, देखी जाए, ज़रूर ट्राई करें आप, देखिए कितनी जल्दी ये बन जाती है। बस इसका दूध जो उसमें पड़ा हुआ है उसको सूखने तक हम इसको चलाते हैं। तो इसको हमने लीड लगा दिया था इसको गलने के लिए, बीच बीच में मैंने दो मिनट के लिए लीड लगाया, और लीड इसलिए लगाया ताकि टमाटर अच्छे से नरम सॉफ्ट हो जाए, और बीच बीच में चलाते रहे। तो ये 5 से 6 मिनट में हमारी अंडे की भुजी का दूध पूरा ज़रा सूख गया है, और तेल अलग हो गया है, और अच्छे से फरेटा सा इसका हो गया हिसाब किताब। तो ये समझ लीजिए कि बस ये अपनी अंडे की भुजी तैयार है। तो अब हम बंद कर देते हैं, इसका फ्लेम बंद कर देते हैं, और इसमें ग्रीन कोरिएंडर डालते हैं, मिक्स करते हैं और डिश आउट करते हैं। तैयार है हमारी अंडे की भुजी, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही जायकेदार बनती है, और रोटी से, पराठे से, या लंच में दाल चावल के साथ, और ये बहुत ही पसंद आने वाली डिश है, और ज़रूर बनाइए आप, ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और हमारी डिश आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाले ऐसे ही कुछ अलग यूनिक ख़ास रेसिपीज़ के लिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़।